गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम के हालात नहीं सुधर सकते हैं। गुरुग्राम में जब भी बरसात होगी तो वाटर लॉगिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि आज हुई 15 मिनट की बरसात के बाद भी गुरुग्राम की सड़कों पर जमकर जल भराव हो गया। कुछ तस्वीरें आप लोगों को हम दिखाते हैं। सबसे पहले इफ्को चौक की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 15 मिनट की बरसात में ही सड़कों पर पानी इतना लबालब भर गया है कि वहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, फुटपाथ पर एक गड्ढा भी हो गया है, और ये गड्ढा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले ही बिजली की लाइनें दाबी गई थी और उसकी वजह से अब बरसात जब हुई तो यहां पर गड्ढा बन गया है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत इफ्को चौक पहुंची, वहां से उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है। पहले आप वो देखिए और उसके बाद आपको दिखाएंगे गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आज हुई इस 15 मिनट की बरसात ने कितना जल भराव किया है। गुरुग्राम में कुछ देर की हुई बरसात ने गुरुग्राम की सड़कों को फिर से डुबो दिया है। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के इफ्को चौक पर, जहाँ पर कुछ देर की बरसात ने ही इतना पानी भर दिया है कि गाड़ियाँ डूब कर चल रही हैं। और साथ ही साथ गुरुग्राम के इफ्को चौक की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पर इफ्को चौक पर जो फुटपाथ बना हुआ है उसके पास एक ऐसा गड्ढा हो गया है जिसमें अभी भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है। इसमें बिजली के तार बिछे हुए हैं और ये जो फुटपाथ है ये सीधा एमजी रोड पर निकलता है। ऐसे में जो फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए खासी समस्याओं का सामना हो सकता है। गुरुग्राम के इफ्को चौक की ये हालात बन चुके हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं वो पानी से होते हुए निकल रही है। ऐसे में जो फुटपाथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं वे यहाँ से कैसे पार हो पाएंगे, क्योंकि जो फुटपाथ का रास्ता है उस पर तो गड्ढा हो गया है और जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम के जो नगर निगम के अधिकारी हैं वह इस बात पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर गुरुग्राम की जनता को जब भी बरसात होगी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। रविवार को हुई बरसात ने केवल इफ्को चौक पर ही जल भराव नहीं किया, बल्कि गुरुग्राम के कई इलाकों में इसी तरह के हालात पैदा हो गए। सबसे पहले तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं हम बाटा चौक की, जहां पर हालात बदस्तूर ऐसे ही हैं। यहां पर हर बरसात में पानी भरता है, लेकिन हमारे ज़िले के अधिकारी बिल्कुल भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यहां पर जल भराव ना हो और लोगों को यहां से निकलने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप खुद देखिए कि सड़क किनारे इतना पानी भरा है कि अगर कोई शख्स इसमें से निकले तो उसके घुटनों तक पानी आ जाए। गाड़ियां इसमें ऐसा लगता है जैसे तैरकर बाहर निकल रही हों। इसके बाद अगर अगली तस्वीर की हम बात करें तो अगली तस्वीर उद्योग विहार फेज 4 इलाके की है, जो हमारे एक दर्शक ने उपलब्ध कराई है। वहां भी आप हालात देख लीजिए कि सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है। इसी तरह के हालात गुरुग्राम में चारों तरफ हैं और हमारे नगर निगम के अधिकारी लगातार दावे करते हैं, लेकिन वो दावे ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में इस वीडियो के कहा कि गुरुग्राम के हालात बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद आपको हालात दिखाते हैं गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक के, जहां पर एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा हो, असुविधा ना हो। लेकिन वहां पर बरसात के बाद क्या हालात है वो आपकी तस्वीर है, आपके सामने ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि सड़क किनारे इसी तरह हर जगह हालात जल भराव के बने हुए हैं। अब इसके बाद तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं हम शिवाजी नगर इलाके की, जहाँ पर गलियों में भी पानी भर गया है और गलियों से पैदल निकलना तो मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि गाड़ियाँ भी ऐसे लगती हैं जैसे मैंने पहले कहा कि तैर कर जैसे गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हों। अब इसके बाद तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं हम राजेंद्रा पार्क इलाके की। राजेंद्रा पार्क में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि कुछ देर की बरसात हुई और उसमें ही अगर इस तरह से जल भराव होने लगे तो जाहिर सी बात है सवाल या निशान नगर निगम और GMDA की कार्यप्रणाली पर उठेंगे कि आखिरकार नगर निगम और GMDA का फ़ायदा क्या हुआ, इतना टैक्स देने का फ़ायदा क्या हुआ अगर गुरुग्राम में हर हल्की सी बरसात में ही अगर इस तरह के बुरे हालात हो जाते हैं तो फिर टैक्स देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं एक ऐसी जगह की जिसे देखकर नगर निगम और GMDA चाहे किसी का भी दायरा ये आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों जो डिपार्टमेंट हैं उनकी पोल ज़रूर खुलेगी कि चलो इन्होंने कुछ काम किया होगा, दावे इसीलिए करते होंगे, लेकिन ये काम ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का काम किया है। ये तस्वीर
आज दोपहर जब बरसात हुई है उससे पहले की है, और यहाँ पर हालात ये है कि नाले बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं, उनकी सफाइयाँ नहीं हुई हैं, और इस वजह से नाले का पानी सड़कों पर आ रहा है। ये तो बरसात का पानी नहीं है। अगर इसको भी निपटाने के लिए अगर हमारा जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता है तो फिर बंद कर दीजिए ये सरकारी विभाग, किसी काम का नहीं है। सिर्फ हम बरसात में आप लोगों को कोसते रहें और पूरे साल आप लोग जनता से टैक्स लेते रहें, लेकिन सुविधा के नाम पर आप इस तरह का गंदा पानी सड़कों पर निकलने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ इसी तरह के हालात हैं। हालात तो ये भी हैं कि बरसात के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है पीने के लिए लोगों के घरों में, लेकिन उसका भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। वजह यह है कि जहाँ पर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है वहाँ से पानी, जो गंदा पानी है वो उनके अंदर जाकर और लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। लोग ऐसा गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। अब सवाल या निशान यही है कि आखिरकार कब हमारे गुरुग्राम के सरकारी अधिकारी इन बातों का संज्ञान लेंगे, कब गुरुग्राम जो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, कब इस शहर को हाई क्वालिटी की जो सुविधा है वो दी जाएंगी, ये एक सवाल या निशान बनता है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार गुरुग्राम में कब तक हल्की हल्की बरसातों में इसी तरह जलभराव होता रहेगा। क्या अधिकारी कुछ करेंगे भी या सिर्फ दावे करते रहेंगे और हर बरसात के बाद ये कह दिया जाता है कि अगली बरसात में पानी नहीं भरेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।